अमेजिंग पीपल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द कलरफुल मी. इट्स मी रंगोली बाग एंड दिस इज माई मॉर्निंग फेस. मैं अभी अभी उठी हूँ, लाइक 5-10-15 मिनट हो गए होंगे. मैं अपने सारे आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ माई सोशल मीडिया हैंडल्स. और अगर आप मुझे कभी भी वाओ कहीं भी फॉलो नहीं करते हो, लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाटएवर, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और दीज आर माई हैंडल्स, डू फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया एज वेल. सो मुझे वैसे बाल अच्छे नहीं लग रहे थे इसलिए मैंने टाई कर दिए. वैसे तो मैं ये ब्लॉग कल ही कर रही थी लेकिन मैं फिर से आज करूँगी क्योंकि आज मैं बहुत सी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ. यस्टरडे मैंने कुछ अच्छे से प्रॉपरली नहीं दिखाया इसलिए मैंने सोचा कुछ भी उल झलूल पोस्ट करने से बेहतर उसे मैं शेयर करूँगी सभी मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स पे. तो फिर ऑलमोस्ट बहुत से लोग देखेंगे. फिर मुझे मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी बुद्धू दिखूँ उनके सामने. वैसे भी वो मुझे बुद्धू समझते होंगे, इट्स ओके. कोई भी मुझे बुद्धू समझता है इट्स ओके. मैं ये क्या बकवास कर रही हूँ, मैं हमेशा की तरह कुछ भी बकवास करती रहती हूँ ब्लॉग में. सो प्लीज़ इग्नोर माई बकवास. और मैं क्या बता रही थी, मैं अभी तैयार होंगी. आज मैं कॉलेज जाने वाली हूँ, मैं कल वो भी नहीं गई थी. तो मेरी कैट को क्या बीच बीच में सभी दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स में जब ब्लॉग करती हूँ तभी होती है. मेरी कैट बाहर जा रही थी. सो मैं क्या बता रही थी, हाँ मैं कल कॉलेज भी नहीं जाने वाली थी तो मैं आज जाने वाली हूँ. सो मैं थोड़ा सा उधर भी ले लूँगी ब्लॉग. कुछ नहीं होता, कोई नहीं देखेगा मुझे पता है. तो फिर ले लूँगी मैं ब्लॉग कॉलेज के जाते वक्त भी. फिर आने के बाद मैं क्या करूँगी, इट इज़ नॉट अ डे इन माई लाइफ. मुझे बहुत सी चीज़ें बतानी है इस ब्लॉग में. आई वॉन्ट टू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू गाइज, सो आई थॉट लेट्स शेयर इट इन दिस ब्लॉग. सो यस, एंड अभी मैं तैयार होंगी, ठीक से अपना ब्रेकफास्ट करूँगी. और लाइक मैं सुबह थोड़ा स्किपिंग भी करती हूँ, लाइक स्किपिंग रोप से. उसके पहले आई हैव माई ग्रीन टी. यस, सो मुझे थोड़ा पहले फैट कम करना है इसलिए चल रहा है मेरा ये सब. मैं करती हूँ, ये मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ लेकिन मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ जब मैं बोर हो जाती हूँ. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माई मूड, मेरे मूड में करती हूँ मैं सब कुछ. जो मुझे मूड होता है मैं तब वो करती हूँ. सो अभी तो मैं उठ गई हूँ और मैं तैयार होंगी और सब करूँगी. देन आई कैच यू गाइस जब मैं कॉलेज को जाऊँगी. उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं अभी जा रही हूँ भाई. और मुझे बहुत सी चीज़ें शेयर करनी है इस ब्लॉग में तो प्लीज़ इस ब्लॉग को एंड तक देखना. आई लव यू गाइस, आई सी यू वंस आई एम रेडी, बाय. सो गाइस अभी तो फिलहाल के लिए मैंने ये टी शर्ट डाला हुआ है. मैं इस कॉलेज जाते वक्त चेंज करती हूँ. अभी नहीं पहनती हूँ मैं ड्रेस जो पहनने वाली हूँ. सो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसे कॉलेज जाना ये कह रही है और ये रेडी भी नहीं है और फिर भी ये शांति से बैठ गई है. सो उसका मैं रीज़न बताती हूँ आपको. मुझे आपके साथ एक अच्छा सा प्रोडक्ट शेयर करना है जो कि मैं ट्राई कर रही हूँ और मुझे इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं. सो टुडे हैव शेव्ड माई लाइक हैंड्स एंड इसके ऊपर आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट जो मुझे बहुत अच्छे से पैक्ड होके आया था. सो मैं इतने दिनों से यूज कर रही हूँ फिर भी मैं ऐसे ही पैक्ड रख रही हूँ जस्ट इन केस टू शो यू गाइस कि कितने अच्छे से वेल पैक्ड होके मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ. सो दिस इज द प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज द न्यूड एक्सपोज योर सेल्फ आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन. कम्स विद दिस ब्यूटिफुल पंप पैकेजिंग एंड ये आपको 100 ग्राम के क्वांटिटी में मिलता है. और ये आपको जब आप आपके हेयर्स रिमूव करते हो आपके बॉडी के या हैंड्स के लेग्स के मतलब बॉडी के ही तब आप इसे यूज़ कर सकते हो. सो आई शो यू हाउ टू यूज़ इट. ऐसे पंप की पैकेजिंग में आता है, बहुत अच्छी पैकेजिंग में आता है ये. सो इट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम न्यूड. इट इज़ मेड विथ नेचुरल एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स. इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट. It helps to prevent skin itches and rashes. It is ideal for using after waxing, hair removal cream, threading or shaving by men and women. So this product helps to restore the pH balance of your skin after the hair removal thing you do. और ये आपके हेयर्स अच्छे से रिमूव करने के बाद आपने यूज़ करना है. एंड जब आप आपका वैक्सिंग करते हो या फिर कोई क्रीम लगाते हो, हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करते हो आपके हेयर्स रिमूव करने के लिए, तो आपका अगर कोई स्मेल आ रहा है उसे भी रिमूव कर देता है ये. और कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ हार्शनेस या कुछ रैशेज हो रहे हैं
हेयर रिमूव करने के बाद, तो उसे भी ये ठीक करता है एंड ऑल्सो इट मॉइस्चराइजेस योर स्किन, और आपके स्किन को ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है और ये बहुत ज़्यादा सेफ है। ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, सो आप वुमेन मैन दोनों भी इसे ट्राई कर सकते हो। आपके हेयर रिमूव करने के बाद आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट आपको एक इंस्टेंट रिलीफ भी देता है, अगर आपने कोई केमिकल हार्श या कुछ भी यूज़ किया है आपके हेयर्स रिमूव करने के लिए, सो उसके बाद आप यूज़ करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है आपके लिए। आई थिंक एवरी गर्ल एंड बॉय, नॉट जस्ट गर्ल्स, बॉय ऑल्सो शुड हैव इफ यू आर लाइक इन टू वैक्सिंग, इन टू शेविंग एंड एवरीथिंग। सो आप इस प्रोडक्ट को ट्राई दे सकते हो, मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो यस, अभी मैं रेडी होंगी थोड़ी देर में और अभी मैं अपने कॉलेज जाऊंगी, फिर देखते हैं मैं आगे आने के बाद क्या करूंगी। आज मुझे बहुत एक वीडियो शूट करना है, आज मेरी रिंग लाइट भी आ जाएगी एंड एवरीथिंग, सो आई विल शो एवरीथिंग इन दिस व्लॉग। सो यस, गाइज नाउ आई एम लीविंग फॉर माई कॉलेज एंड आई एम लेट एज यूजुअल, और मेरे फ्रेंड का भी कॉल आ रहा है तो मैं वो कॉल रिसीव करूंगी और मैं कॉलेज में आपको मिलूंगी। बाय बाय। सो गाइज अभी हमारी छुट्टी हो गई है और मैं घर पे जा रही हूँ। शी इज माई कॉलेज फ्रेंड मयूरी, से हाय। ऑनेस्ट मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग कर रही हूँ और इसलिए मैंने कॉलेज में कुछ ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए। मैं 100% मैं पूरा भूल गई थी। ओके, सो नाउ आई एम डूइंग माय लंच एंड फॉर लंच वी हैव दाल, वी हैव मेड बाय मी, ओके, वी हैव राइस, वी हैव चपाती एंड वी हैव सम चटनी। सो वी बोथ आर ईटिंग टुगेदर, दैट्स वाई इतना ज़्यादा लग रहा है आपको, अदरवाइज यू विल थिंक कि मैं इतना खाती हूँ क्या अकेला है। ओके, सो आई विल डू माय लंच एंड आई विल बी राइट बैक। There's no reason to be sorry. I actually think it's pretty cute. सो गाइज मैं इतना ओवर एक्साइटेड की डूना कि मेरी रिंग लाइट कब की आ चुकी है और मैं उसे खोल के मैंने सब देख भी लिया है। पहले तो क्या हुआ मेरे साथ, मैंने खोली उसे, अभी मैं इसमें अनबॉक्स करके वो नहीं दिखाऊंगी, वो मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में दिखा दिया था जब मेरी फर्स्ट रिंग लाइट आई थी। बट ये रिंग लाइट का कुछ स्पेशल है, ये रिंग लाइट मैंने अपने खुद के पैसों से ली है। मैंने अपने ये व्लॉग्स बहुत से लोग देखेंगे, किसके कितने पैसे आए, क्या पैसे आए, कहाँ से आए, तो जो लोग मुझ पे हंसते थे या मेरे यूट्यूब चैनल का मजाक उड़ाते थे या अभी भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, उनके ही वजह से आज मैंने अपने खुद के पैसों से कुछ लेके दिखाया है। और आई डोंट केयर, अगर मैं अभी भी उनके बारे में सोचती तो मैं नहीं ले पाती कभी भी शायद, और जितना वो सोच भी नहीं सकते उतना आया है मुझे। तो ये अमाउंट भी कितना है ये मैं नहीं बता सकती यूट्यूब पे, बस जस्ट मुझे रखना है वो प्राइवेट, तो रखना है बस। जब मैं थोड़ी और बड़ी यूट्यूबर हो जाऊँगी तब मैं बताऊँगी कितने मिले थे मुझे। तो ये यूट्यूब का पेमेंट से नहीं लिया है मैंने, ये मुझे स्पॉन्सर कोलैब्स जो मुझे मिलते हैं उससे लिया है मैंने। और मेरे बाल हमेशा खराब दिखते हैं पूरे व्लॉग में, इस पूरे व्लॉग में इतना खराब दिख रहा है मेरा सारा मुंह ही। और मैं घर पे आके मैंने चेंज कर लिया था बाद में, अभी मैं एक यूट्यूब वीडियो शूट करने वाली हूँ, सो फिर वो देखते हैं। और वो वीडियो शूट होने के बाद मैं एक और वीडियो शूट करूंगी, सो यस, और अभी देखते क्या होता है। और उसी वीडियो को शूट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी या मैं अपना अनबॉक्स करके सब वो वाली क्लिप्स नहीं ऐड करूँगी। मुझे यही बताना था कि मेरा फर्स्ट इससे लिया है मैंने, इसलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगी ये रिंग लाइट हमेशा, और ऐसे ही मैं लेते रहूँगी। जैसे अभी मैंने रिंग लाइट लिया है ये फर्स्ट स्टेप है, मैं ऐसे ही मेहनत करके और कोलैब्स करके ऐसे जमा करके मैं कैमरा भी ले लूँगी खुद से ही, मैं खुद से ही लेना चाहती हूँ कैमरा, मुझे वैसे मम्मी से नहीं लेना है पैसे या कुछ भी। सो यस, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप, तो मैं और कुछ ले लूँगी, मेरे लिए यूट्यूब चैनल के लिए ही इन्वेस्ट करूँगी भाई, मैं कुछ दूसरा नहीं करूँगी। मतलब कपड़े ही ले रही हूँ खुद के शौक मैं कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन मैं कपड़े भी लेती हूँ तो मुझे यूट्यूब के लिए ही लगते हैं। मैं अभी बहुत ज़्यादा कुछ भी बड़बड़ करने लग जाऊँगी गाइज, इसलिए मुझे एक वो जो लुक क्रिएट करना है। मैं रिंग लाइट की देर देख रही थी कि कब भाई मेरी रिंग लाइट आएगी और कब मैं वो वीडियो शूट करूँगी, तो फिर अभी रिंग लाइट आ गई है तो मैं वो वीडियो शूट करूंगी, और फिर शूट होने के बाद सारा मेकअप रिमूव करने के बाद मैं पूरा शांत हो जाने के बाद सब फिल्म करने के बाद मेरा हाथ दुख गया गाइस। तो जब मैं पूरा शूट कर लूंगी वीडियो
लाइक सब हो जाएगा मेरा, फिर मैं आपसे मिलूंगी। और अब बीच बीच में लाइट नहीं जानी चाहिए, बस इतना भगवान इतना मेरा ये रख ले, क्योंकि ये वीडियो शूट हो ही नहीं पा रही, मैंने तीन वीडियो शूट करनी है। सो यस, अभी मैं वो करूंगी, फिर मैं आपसे मिलूंगी, बाय बाय। इतने देर इतनी बकवास तो कर ली, लेकिन मैं आपको रिंग लाइट भी दिखाऊंगी एंड में, एंड में नहीं लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी, इसी वीडियो में दिखाऊंगी, आप वेट करना। मैं बताऊंगी कितने की प्राइस है, क्या है उसके फीचर्स, सब एक्सप्लेन करूंगी। सो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। यस, सो गाइज आई एम ऑल सेट रेडी टू शूट। यहाँ पे मैंने अपना ट्राइपॉड लगा लिया है, यहाँ पे मेरी रिंग लाइट है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा फेस बिकॉज ऑफ माई रिंग लाइट। और लेट मी शो यू, यहाँ पे मैंने सारे ब्रशेस निकाल के रखे हैं, सारा मेकअप निकाल के रखा है, और ये जो लुक होने वाला ना ये बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और मैंने कितने दिनों से वेट कर रही थी कि कब मेरी रिंग लाइट आएगी और मैं कब ये वीडियो शूट करूंगी। मैं तीन बार बैठी हूँ ये वीडियो शूट करना, लेकिन नहीं हो पाया है मुझसे। लेकिन आज कोई भी कुछ भी हो जाए, दुनिया इस की उस पार हो जाए, मैं ये वीडियो शूट करके ही दम निकालूंगी। सो मैं लाइक यहाँ पे दिखाती हूँ मैंने कितना ज्यादा भी मेस क्रिएट किया है। जब मैं पूरा फैलाती हूँ ना, पूरा लगाती हूँ ना, फिर तो सारा यहाँ पे मेकअप ही मेकअप हो जाता है। और इस रिंग लाइट का ना बिगेस्ट ड्रॉबैक मैं आपको बताऊँ गाइस, इसको सिर्फ प्लग से कनेक्ट किया जा सकता है। एक कुछ तो बैटरी का कुछ दिया है, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, और मेरे पापा देखने वाले क्या है। सो अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि सिर्फ आप प्लग कर सकते हो। सो ऐसा लाइट चली गई, मैं क्यों अशुभ बोल रही हूँ, भगवान लाइट नहीं जाएगी, फिंगर्स क्रॉस। मैं पूरा लुक कंप्लीट करूंगी और मैं जल्दी जल्दी, मैं खुद की कैपेबिलिटी टेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ बताऊंगी नहीं आपको। इसको मैं वॉइस ओवर करूंगी इस वीडियो को, बट मैं जब इंट्रो लूंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। सो मैं आपको फाइनल लुक के बाद मिलूंगी, और ये लुक आपको मेरे चैनल पे देखने मिल जाएगा। सो अगर आपने आपको ये लुक देख लाइक जो मैं लुक क्रिएट करूंगी वो देखना है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से पहले ही वो लुक आ जाता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। सो यस, अभी स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप। यहाँ पे सारा मेकअप और सब निकाल के रखा है मैंने, मेरी लैशेस सब सब सब। और अभी आज मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली करने वाली हूँ मेकअप, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने दो दो स्पंज लिए हैं, एज आई सेड कि मैं बहुत प्रोफेशनली करने वाली हूँ मेकअप लुक। सो देखते हैं मैं कैसा करती हूँ और क्या करती हूँ, मैं आपको डायरेक्टली फाइनल लुक में, फाइनल लुक के साथ मिलूंगी। सो बाय गाइस। सो दिस इज माई फाइनल लुक यू गाइस, एंड ये इसका ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे पहले ही पोस्ट कर दिया है, वो अब तक आ चुका होगा। सो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो। सो ये लुक भी आप देखना। सो ये डिजिटेक की रिंग लाइट है, ये 18 इंचेस की रिंग लाइट है। आप इसमें आपका कैमरा, DSLR सब सब मतलब लगा सकते हो। एंड ये मेरा ट्राइपॉड तो पहले से ही है, मैंने अपना एक्सटेंशन बोर्ड से प्लग इन किया है, एज यू गाइस कैन सी। और यहाँ पे मेरा ये मेकअप कलेक्शन है, आपने अगर देखी नहीं है वो वीडियो तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आ चुका होगा। सो इसका यही बिगेस्ट ड्रॉबैक लगता है मुझे कि आपको प्लग ही करना पड़ेगा, वरना आप पावर बैंक कहीं भी कहीं नहीं कनेक्ट कर सकते हो। मतलब लाइट गई तो समझो आप नहीं कर सकते हो शूट, कुछ भी करना चाहते हो तो। सो यहाँ से आप इसे फिक्स कर सकते हो, इसे पूरा नीचे कर सकते हो, पूरा ऊपर कर सकते हो। और मैं चालू करके दिखाती हूँ, सबसे पहले यहाँ से बटन स्टार्ट होता है यहाँ से, एंड देन पहले तो कुछ ये ऐसे दिखती है चालू करने के बाद। ये येलो लाइट है, फोटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा ब्राइट है। और ऐसे आप धीरे धीरे करके कम कर सकते हो जितना आपको चाहिए उतना। और एक वाइट भी है, लाइक इस साइड है वाइट। सो ये वाइट वाला लाइट है जो कि मैं फिल्म करने के लिए यूज़ करती हूँ, ये सबसे ज़्यादा ब्राइट है। और इसे भी आप कम कर सकते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम। आप राइट साइड में इसे रोटेट करते हो, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, राइट साइड में रोटेट करते हो तो वाइट लाइट होती है, और आप लेफ्ट साइड में लाइक राइट साइड में इस साइड से करते हो रोटेट तो आपको येलो लाइट मिलती है, और इस साइड से लेफ्ट साइड में रोटेट करते हो तो आपको वाइट लाइट मिलती है। और इसको आप और इसको पूरा रोटेट करके बंद करते हो तो लाइट बंद हो जाती है। सो आई लाइक टू डू दिस आफ्टर एनी काइंड ऑफ मेकअप आई डू ऑन माई फेस। यूजअली मैं कोई फेस पैक नहीं लगाती हूँ मेकअप करने के बाद, क्योंकि मैं इतना थक ही जाती हूँ करके पूरा। ठीक ऐसे लगता है बोलने को कि क्या इसमें थक जाती है, लेकिन अगर आप करोगे खुद तो आपको पता चलेगा। सो मैंने ये विटामिन सी फेस पैक लगाया है वाओ स्किन साइंस का, मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पे कर दिया है।
If you want to see in case that review is right here on the I button, go check it out. So आपको पता चलेगा कितने benefits है इसके इस फेस मास्क के. So yeah, so guys, मैंने खाना खा लिया है, अपना फेस वॉश कर लिया है और अच्छे से अपना स्किन केयर, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी कर लिया है. सो अभी मैं लिखूंगी थोड़ी देर और मैं सो जाऊंगी. सो यस. सो मैंने बहुत सा राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लिया है एंड यस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो. इफ यू डू, मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन टू नेवर एवर मिस एनी फ्यूचर अपडेट फ्रॉम मी. आई लव यू गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.